नसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला सर। कल आपने थोड़ा हिंट किया था और आपके मुख से जब ये बात निकली कि हाँ थोड़ा बाजार करेक्ट हो सकता है, मैंने दर्शकों को नोटिस भी करवाया कि भसीन साहब बोल रहे हैं मार्केट करेक्ट हो सकता है, कोई और नहीं बोल रहा है। तो भसीन साहब थोड़ी गिरावट और बढ़ेगी क्या? आप बता रहे थे कि 2 हफ्ते थोड़े प्रेशर के रहेंगे, ये प्रेशर कहाँ तक आ सकता है सर? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, मनीष को। 2 हफ्ते मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन रह सकती है, और मैं इंडेक्स में इतना नेगेटिव नहीं हूँ। मैं मिड कैप्स पे, थोड़ा पीएसयूज में प्रॉफिट लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसे अगर पैराबॉलिक राइज आएगा डिम्पी जी, तो उसका फिर एंड जो होता है वो खतरनाक होता है। और सब में लेफ्ट आउट फीलिंग इतनी ह्यूमंगस है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, उनकी ओनरशिप, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमारा मतलब ये है, देखिए, बुल मार्केट में देयर इज नो क्वेश्चनिंग द पावर ऑफ इट, बट ऑलवेज पीरियोडिकली ऑन एन अपटेक ओनली आप प्रॉफिट ले सकते हैं, और नॉट ऑन अ डाउन डे। इसलिए आपको थोड़ा सा हमने कहा था, अभी भी मुझे लगता है इंडेक्स कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन इंडेक्स विल आउट परफॉर्म द मिड कैप्स नाउ फॉर सम टाइम। वहां पे थोड़ा सा मनी विल बी टेकन ऑफ द टेबल। आपको ये भी बता दूं, कल आपको मैंने आईओसी भी कहा था, कई दिन से कह रहा हूं, कल आईओसी 7% चला। तो अब आपको जब ऐसी कॉल मिलती है और आपको 2 दिन में 10-12% मिल जाए, तो प्रॉफिट भी लेना सीखिए। आई मीन लॉन्ग टर्म तो रहेगा, लेकिन डिप्पी जी 21,800-22,000 पे थोड़ा सा ट्रेडर मेंटालिटी रखना बढ़िया है, और लुक फॉर बार्गेन जहां आपको दिख रहे हैं, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, एग्रोकेमिकल, जहां स्टॉक्स 2-ईयर लोस पे है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस लाइक डी स्टॉकिंग एंड सो ऑन। तो मौके बहुत है, लेकिन इंडेक्स पे नजरिया यही है कि मिड कैप में पैसा घर ले जाना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर, आपके ऑब्जर्वेशन हमने और फाइन ट्यून कर दी कि थोड़ा मिड कैप पे थोड़ी दिक्कत है, इंडाइसिस कंसोलिडेट करेंगे। और सर मैं आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए आपको बहुत बधाई दूंगा, ये जो 70-70% के रिटर्न आए हैं, एक बार आप दिखा सकते हैं जरा इनके 3-3 महीने के चार्ट या 2-2 महीने के चार्ट आईओसी बीपीसीएल के? और मैं बोलूंगा भसीन साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले नोटिस करवाया था कि ये सारे के सारे शेयर चल सकते हैं। आपको और मेरे को याद भी नहीं होगा कि बीपीसीएल और आईओसी एचपीसीएल 50-50, 60-60% कब चले, सिर्फ एक ही चीज से इसको देखते थे, अच्छा क्रूड के दाम क्या है, सरकार दाम कम कर रही है या नहीं कर रही, बस यहीं तक सिर्फ मामला सीमित था। लेकिन देखिए पॉलिसी का इंपैक्ट क्या जोरदार आता है। भसीन साहब फिर आज के शेयर्स बता दीजिए। नहीं, और भी बता दूं डिब्बी जी, 210-15 में आपको पेट्रोनेट बड़ी जोर से कहा था कि उनका जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रैस ऑफ कतार के साथ है वो बहुत सॉलिड है। पेट्रोनेट इज अ वेरी चीप स्टॉक, 210-15 वाला 275 हो गया। एनबीसीसी आपका ट्रिपल हो गया, हुडको, नैलको, मैंने सेल, आपका गेल, ये सब आपको कहे थे। एनीवे, जो जिसने जो ले लिया प्रॉफिट भी लेना सीखिए। अभी आपके लिए देखिए, अशोक लीलैंड के नंबर मुझे बहुत पसंद आए। अशोक लीलैंड में अभी भी कह रहा हूँ एज ए डिस्क्लोजर, अशोक लीलैंड विप्रो दोनों हमारे पोर्टफोलियो में है हम इसमें, लेकिन मैं आपको बोलू 200 रुपए भी कम है अशोक लीलैंड के लिए। ये 250 भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं। ये बस मार्केट, सीवी मार्केट में मोर मार्केट शेयर देन इट इज ईटिंग इनटू टाटा मोटर, और इसका जो ईवी लॉन्च है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अशोक लीलैंड मेरे हिसाब से मिनिमम फर्स्ट टारगेट 200 है, उसके बाद 225, 172 का स्टॉप लॉस रखिए। विप्रो मुझे लगता है आउट परफॉर्मर है इन द लार्ज कैप आईटी स्टॉक, और 483 वाला 510 तक जा सकता है, 470 का स्टॉप लॉस। फिर इंडिया बुल रियल इस्टेट में आपको 90-95-99 से कह रहा हूं, कल उसने एक न्यू हाई मारा है 108 का। 12 तारीख को इसमें मर्जर की बात है। यू कैन नॉट हैव, जिस तरह से रियल इस्टेट के प्लेस बाकी जा रहे हैं और इंडिया बुल नॉट पार्टिसिपेटिंग, 12 तारीख को मोर क्लैरिटी आएगी, 15 को ईजीएम है। मुझे ये 125 का पहला टारगेट और 150 का स्लाइटली लॉन्गर टर्म टारगेट इसमें दिखता है। चौथा मैं ये भी कहूंगा कि कल आपने टाटा केमिकल के वीक रिजल्ट दिए, देखे यूपीएल के, लेकिन ये पेडिग्री कंपनीज हैं, आप एग्रो केमिकल और पेस्टिसाइड्स के बिना रह नहीं सकते। इनके डी स्टॉकिंग इज मोर और लेस प्लेड आउट। आपको ऐसे ब्लू चिप शेयर जब इतने 11-12% नीचे मिले तो अक्यूमुलेट, क्योंकि इनमें आज नहीं तो कल जिस तरह से फेरबदल है, डी स्टॉकिंग और इन्वेंट्री के जो यू नो डेट्स ऑफ रिसीवेबल्स वो सब एक साइकिल चेंज हो जाएगा। दीज आर स्टॉक्स विच यू शुड लुक फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, which can easily give you 50% return, Tata Chemical, UPL and SRF.